हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल से है जीवन में। मैं हूँ आपकी दोस्त लता और आज का वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाला है। मैं आपके साथ बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़ें शेयर करने वाली हूँ। ये जो अभी मैंने छोटी सी बोतल उठाई है, ये पेप्सी का कट पोर्शन है। इसमें मैंने टर्टल वाइन का प्लांट लगाया था। फ्रेंड्स, आप बिलीव नहीं करेंगे, इसकी बहुत छोटी छोटी 2-3 टहनियाँ मेरे को मेरी मेड ने ला के दी थी पिछले साल। और फिर मैंने मेरे पास कुछ था ही नहीं तो मैंने यही पेप्सी की बोतल कट करी थी और वो इतने प्यार से लाई थी तो मैंने ये लगा दी। और मुझे पता ही नहीं था कि उसके बाद अचानक से लॉकडाउन लग जाएगा और वो हमारे घर नहीं आएगी। बस ये उसी की फ्रेंडशिप, उसी के प्यार की निशानी है जो मेरे पास है। अब मैं आपको लेके चलती हूँ अपनी घर की, जो पीछे फ्लैट में मेरे छोटी सी एक बालकनी है, यहाँ पर ग्रिल्स लगी हुई हैं और मैं सोच रही हूँ कि ये ग्रिल्स का भी थोड़ा फ़ायदा उठाया जाए। मैंने यहाँ पे कुछ प्लांट्स रख दिए हैं। अभी ये देखिए, सिंगोनियम का प्लांट इसमें मैंने आपके सामने दिखाया, प्याज का छिलका डाल रखा है। ये दूसरा है, ये मनी प्लांट, इसको मैंने बांध दिया है एक डोरी के साथ। ये ग्रिल, इसको भी वैसे मैं बांधूँगी। तो ये इतना बड़ा हो गया था कि मुझे समझ नहीं थी कि मैं इसको यहाँ रखूँ कि नहीं रखूँ, तो मैंने इसी बॉटल में से एक प्लांट निकाल के दूसरी जगह लगा दिया। आप देख रहे होंगे ये जो खाली जगह है ना। और अभी देखिए, यहाँ से भी मैं कट करके इसको भी फर्दर लगा सकती हूँ। मुझे समझ नहीं आती है कि ये प्लांट्स इतने जल्दी जल्दी कैसे बड़े हो जाते हैं। और मुझे खुद ही बड़ा गिल्ट होता है कि मैं इनको रहने के लिए एक छोटी सी एक बॉटल की स्पेस देती हूँ। बट लेकिन स्टिल मैं अपने प्लांट से बहुत प्यार करती हूँ और उसी का ये रिस्पांस मुझे देते हैं। ज़रा ज़रा सी मैं मिट्टी डालती हूँ क्योंकि फ़्लैट में आप समझते हैं ना, जब फ्लैट में रहते हैं तो बिल्डर बड़े सोच समझ के चीज़ें बनाता है। अब ये देखें, ये 3-4 ये गंदे गंदे से ढक्कन पड़े हैं। आपको मैं दिखाऊंगी कि मैंने अभी क्या कारनामे किए हैं, ये ढक्कन मैंने कहाँ से उतारे हैं। तो ये देखें, ये वैसे आज हमारे यहाँ बहुत बारिश हो रही है तो, लेकिन मैंने सोचा कि बारिश में बोर होने से अच्छा है कि मैं कुछ काम करूं। तो काम, आपको ये मेरा कारनामा नज़र आ ही गया होगा। फ्रेंड्स, ये देखें मैंने क्या करी, बॉटल्स के ढक्कन हटा दिए और ये मैंने इंसर्ट कर दिया एक रोहियो का प्लांट। इसकी मैंने एक लंबी सी डाली काटी और बॉटल में थोड़ी सी और ज़्यादा मिट्टी भरी और यहाँ से मैंने इसको, ये देखें, सीधा इंसर्ट करके यहाँ तक इसको मैं ले आई और आगे से मैंने उसको अच्छे से प्रेस कर दिया। क्या है कि कोई वीडियो बनाने वाला था नहीं, घर में हस्बैंड है नहीं, वो कॉलेज गए हैं, पढ़ाते हैं वो, हालांकि स्टूडेंट्स नहीं आते हैं बट स्टिल टीचर्स को जाना पड़ता है। इसी तरीके से मैंने वीडियो नहीं बनाया आपके लिए, लेकिन मैंने क्या करा कि ये इंसर्ट कर दिए। अच्छा, तो बॉटल ढक्कन ये सारे हटाए, मैंने 2 रोहियों के लगाए हैं एंड एक जो लास्ट वाली है इसमें मैंने, ये देखें, मनी प्लांट के ट्विग लगा दी। मेरा बहुत मन था फ्रेंड्स कि जब मैं ये कर रही थी तो आपके लिए वीडियो बनाती, तो चलिए मैं फिर किसी और दिन बनाऊंगी। लेकिन मैं ये कोशिश कर रही हूँ कि आप समझ पा रहे होंगे कितना इजी है ये, इसमें कोई ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है। पहले मैंने 3 ये बॉटल्स ली, ये देखें, यहाँ से कट करा था, यहाँ से भी कट करा, यहाँ से भी कट करा। इसका वीडियो मैंने कुछ दिन पहले शेयर किया था, मैंने इसमें पहले पॉटोलेक और पर्सलेन की कटिंग्स लगाई थी, लेकिन फिर मेरा मन हुआ कि मैं उसको निकाल दूं और यहाँ पे कोई दूसरी कटिंग्स लगाऊं। और ये देखें, ये मैंने वैंड्रिंग जू की कुछ कटिंग्स काट के यहाँ लगा दी। और इसने भी क्या होना है फ्रेंड्स, वैंड्रिंग जू ने भी ऐसे ही लटकते रहना है, जब ये ग्रो करेगा तो लंबा लंबा सा हो जाएगा। और ये बड़ा शैलो रूटेड प्लांट होता है, ज़्यादा इसकी जड़ें गहरे नहीं जाती है। और इस बॉटल से पानी जब ड्रिप होगा तो इसको मिल ही जाएगा। ऊपर भी जो मिडल वाली बॉटल है इसमें भी मैंने छोटी छोटी कटिंग्स लगाई हैं वैंड्रिंग जू की। और ये देखिए, एक नन्ही सी कटिंग मैंने टर्टल वाइन की भी लगा दी है। और इधर से ये रोहियो को इंसर्ट किया, ये देखें, यहाँ तक फिक्स कर दिया और अंदर से हाथ दबा के मैंने बॉटल में अच्छे से उसको प्रेस कर दिया। और ये रोहियो के मेरे पास बहुत सारे प्लांट्स लगे हुए हैं गमलों में और ये इन सब में ऑलरेडी रूट्स थी। आप अगर डायरेक्टली काट के लगाएंगे तो भी रोहियो लग जाता है। ये देखिए, एक छोटा सा स्पॉटेड लीव्स वाला मेरे पास मनी प्लांट था, ये मेरी फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट किया था, तो मैं धन्ना सा ही उसने दिया था तो मैंने इसको यहीं लगा दिए। और अभी ये देखें, जो टॉप मोस्ट बॉटल है इसमें भी छोटी छोटी कटिंग्स ये टर्टल वाइन की मैंने लगा दी।
एंड ये बड़ी इजी भी रहती हैं टर्टल वाइन की कटिंग्स, आप कहीं भी लगा देंगे। ये भी ज़्यादा इनकी जड़ें फैलती तो है नहीं है कि डीप इनको पॉट चाहिए कोई, छोटी छोटी बॉटल्स में ग्लासेस में आराम से लग जाती है। और ये वाला मनी प्लांट लगाने में मुझे थोड़ी सी दिक्कत हुई, वो इसलिए कि इस बॉटल में मैं चाह रही थी कि आगे की तरफ से ही इंसर्ट कर दूँ जहाँ से मैंने रोहियो का कटिंग करी है, लेकिन रोहियो मैं ऑलरेडी लगा चुकी थी तो मनी प्लांट लग नहीं पाया, फिर इसलिए मैंने इसको ऊपर की साइड ही अच्छे से दबा के लगा दिया है। और दूर से देखें ये आपको कैसा लग रहा है, तीन बॉटल्स में इतनी सारी प्लांटेशन एंड ये सारी की सारी फ्री में, कोई खर्चा नहीं। सबसे बड़ी बात है ये मैं आराम से एक डेढ़ घंटा सुबह का ब्रेकफास्ट बना के सबको खाना वाना दे के मैं ये काम करती रही, और मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आता फ्रेंड्स कि मैं टीवी के आगे बैठ जाऊँ और फिर वो डिप्रेसिंग न्यूज़ आती है। तो अच्छा ये देखें ये बॉटल्स आप बड़े इजीली घर में अपने हैंग कर सकते हैं, छेद बना लेनी और उसमें रस्सी डाल देनी है, दैट्स ऑल। और बस उसमें छोटी छोटी नन्ही नन्ही कटिंग्स लगा दें। आज के इस वीडियो में आपने ये भी सीख लिया कि ये वैंडरिंग ट्यू, टर्टल वाइन, मनी प्लांट एंड रोहियो ये सिंपल स्टेम कटिंग से भी बहुत इजीली लग जाते हैं। एंड मज़ेदार बात ये है फ्रेंड्स, रेनी सीज़न बेस्ट टाइम है। ये देखिए मैंने यहाँ डोरी जो लगाई है इसमें कांठे मोटी मोटी लगा दी हैं, सो दैट बॉटल्स के बीच में एक तो स्पेस रहे और वाटरिंग की ज़्यादा दिक्कत ना हो, कभी भूल जाते हैं पानी देना या बिजी हो गए तो ऊपर वाली बॉटल में भी जब हम पानी डालेंगे तो नीचे की दोनों बॉटल्स में भी अपने आप वो पानी ड्रिप हो के प्लांट्स को मिल जाता है। तो और ये देखिए अभी कैसा लग रहा है, ढक्कन की साइड से भी ये जो ट्विग्स इंसर्ट करी ना ये मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है। तो अभी मैं आपको लेके चलती हूँ अपनी फ्रंट बालकनी में जहाँ से मैंने ये सारे कारनामे शुरू करे। ये देखिए ये टर्टल वाइन की जो नीचे थोड़ी कटिंग्स गिरी पड़ी थी, आज मैंने यहाँ पर आई थी थोड़ा काम किया था। टर्टल वाइन का फ्रेंड यही प्रॉब्लम होती है, पास से गुजरो कि कटिंग्स गिर जाती है, तेज़ हवा से भी गिर जाती है। और इस वाले प्लांटर से मैंने वैंडरिंग जू निकाल लिया, ये एक और प्लांटर है, इसमें मैंने रिसेंटली कई सारी कटिंग्स इंसर्ट करी हैं क्योंकि रेनी सीजन है। ये इनके रिजल्ट्स मैं आपको फिर बाद में दिखाऊंगी, वैसे देखने से तो लग रहा है कि सबके रूट्स आगे होंगे। तो ये देखें ये जो गिरी पड़ी है इनको भी ज़ाया नहीं करेंगे और इनको भी मैं लगा लूँगी। और वैंडरिंग जू तो आप कहीं भी कभी भी किसी भी पॉट में लगाते रहें और ये बहुत सुंदर लगते हैं, बहुत इजी टू ग्रो है। और मैं तो फ्रेंड्स एक काम करती हूँ, मेरे घर में कोई बॉटल खाली हो या होने वाली हो तो मैं पहले ही एक्साइटेड हो जाती हूँ। ये एक जरा सी बॉटल में मैंने मनी प्लांट लगाया था और वो इतना लंबा हो गया, वो जो आपने को मैंने फ्रंट पहले इससे पहले दिखाया ना मनी प्लांट लंबे लंबे ट्विग्स, वो यहीं से मैंने कट करी हैं। और ये देखते जाए आप, मैंने सारी बॉटल्स को फेंका नहीं हुआ है, इनमें तमाम तरह के प्लांट्स जो जैसे भी फिट हो जाए लगा देती हूँ। एंड ये रोहियो देखे मेरे घर में इतना ज़्यादा है, मैं इतने लोगों को गिफ्ट दे चुकी हूँ, अब लोग भी मुझसे लेना बंद हो गए हैं, जिससे भी पूछते हैं बोलते हैं हमारे पास ऑलरेडी है रोहियो आपने दिया था। तो इसके बड़े सारे गमले भर गए, कुछ मैंने नीचे की क्यारी में लगाने हैं अभी, कुछ मैंने नेबरहुड में रिलेटिव रहती हैं उनके भी लगा दिए, उनको भी दे दिया, और भी उधर पार्क में गई थी वहाँ भी लगाया ही। तो रोहियो का ये है फ्रेंड्स, आप उसको चाहे स्टेम लगा दें या जड़ लगा दें, उसने उगते ही चले जाना है, पूरा गमला भर देता है। ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये एक सनड्रॉप रिफाइंड ऑयल का डब्बा मैंने कट किया था, ये इसका अपर पोर्शन है, ये देखिए ढक्कन नीचे ऐसी, इसमें मैंने छेद बनाने की ज़रूरत नहीं, ढक्कन से ही पानी निकल जाता है। तो इसकी इसमें मैंने ये वैंडरिंग जू लगा रखा था, वो मैंने सारी निकाल ली कटिंग्स और वो मैंने उधर जो बॉटल्स में मैंने दिखाई हैं वो लगाई हैं। चलिए मैं आपको ये टर्टल वाइन की भी लगाना सिखा देती हूँ कैसे है, बहुत इजी है फ्रेंड्स ये कटिंग्स लगाना। और टर्टल वाइन में तो नन्ही नन्ही सी जड़ें आपको दिखाई देंगी, ये देखिए ऐसे बस पकड़ लेना। सॉरी क्या है फ्रेंड्स कि मैं एक हाथ में मेरे मोबाइल और एक हाथ में ये मैं प्लांट लगा रही हूँ, और स्टैंड लगाना यहाँ पे मुश्किल है क्योंकि बारिश भी हो रही है और ये स्लिपरी भी है, एंड इस समय घर पे कोई है भी नहीं जो वीडियो बनाने में मेरी मदद करे, और अगर होते भी तो मेरे फैमिली मेम्बर्स हंसते बहुत हैं, उनको लगता है कि ये क्या छोटी छोटी चीज़ें लोगों को सिखाती रहती हो। लेकिन मुझे प्लांट से बहुत ज़्यादा प्यार है तो मुझे छोटी छोटी चीज़ सिखाना शेयर करना अच्छा लगता है। तो फ़र्क तो होता है ना फ्रेंड्स आदमियों की सोच में और लेडीज़ की सोच में,
एंड मेरे घर में मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा है, एंड मेरे नेबरहुड में जो हमारे रिलेटिव्स रहते हैं वहाँ उनके भी बेटे हैं, तो मोस्टली बेटों के साथ ही रहना हो तो फिर उन लोगों को लगता है कि हम ये सब बड़े सिली से काम कर रहे हैं। तो अभी आप देखें कितना ये अच्छा लग रहा है, बॉटल सारी वेस्ट यूटिलाइज भी हो गई, और इधर से भी देखें प्लांट डाल दें, ये उगता रहेगा। आगे वाले दिनों में मैं आपके साथ इसका फीडबैक शेयर करूँगी, ग्रोथ भी शेयर करूँगी कैसे उग रहे हैं। होप करती हूँ आपको मेरा ये वाला वीडियो और ये कारनामे पसंद आए होंगे। आप भी फ्रेंड्स ज़रूर बॉटल्स को रिसाइकल करें, प्लांट्स उगाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।